वाहिगुरु। जुगो जुग अटल चवर तखत दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन मिठी गोद अंदर आप जी धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का पावन प्रकाश पुरब जो कि हर साल मई दे महीने विच मनाया जांदा सी, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच गर्मी का बड़ा जोर होंदा है। संगतां दी मंग ते उत्ते इस बार यह समागम अप्रैल दे महीने विच रखिया गया है। तो आप जी इस विद्यालय जो कि धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे नां ते है, इस विद्यालय दे अंदर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन प्रकाश पुरब मनाने लई जुड़े हो। गुरु अमरदास महाराज जी दे मुबारक चरणा दा जोड़ा भी गुरु के प्यारे लैके आए ने, संगतां दर्शन कर रहियां ने। कल नवें दीवान हाल दा टक भी लगना है। दास नूं भी कल ही हुक्म होया सी, पर कल रुझेवें कुछ ज़्यादा ने, इस करके दास अज ही हाजरी ला के खिमा दा याचक होएगा। आओ सब तो पहला मैं बेनती करांगा, थोड़ा जा चुप दा दान बख्शो। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे पावन स्वरूप प्रकाश ने महाराज जी दे अदब सत्कार नूं मुख रखदे आं, चुप दा दान बख्शो। मैं प्रबंधक वीरां नूं बेनती करांगा, बच्चियां दा बड़ा शोर आ रहा है, कोई वीर इन्हां बच्चियां नूं टिकाओ। आओ आप जी जितने जुड़े हो आते हरजस लाइव दे माध्यम राही देशां विदेशां दे विच भी आप जी इस समागम दा आनंद माण रहे हो, सब तो पहले गुरु फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, समा बड़ा सीमित है, अनेकां गुणी जना ने मेरे तो बाद भी अते कल आप जी दे नाल विचारां दी सांझ करनी है। गुरु अमरदास जी दे जीवन विच्चो दो नुक्ते मैं तुहाडे सामने रखांगा। याद रखना, जिंदगी दा सफर बहुत वड्डा हुंदा है, पर उस सफर दे अंदर चौंक बड़े घट आउंदे ने। गल बड़ी बरीक है, जिंदगी दा सफर बहुत लंबा है पर उस सफर दे चौंक बड़े घट होंदे ले। ते याद रखना, जे एक बार जिंदगी विच कोई चौंक आवे ते बंदा गलत सड़क मुड़ जाए ना, फिर डायरेक्शन भी गलत, डिस्टेंस भी गलत ते डेस्टिनेशन भी गलत। राह कहीं, राही कहीं, रैबर कहीं, यूं भी मुकाम तय हुआ है कहीं। तो खैर, जदों 21वीं बार गुरु अमरदास महाराज हरिद्वार यात्रा करके मुड़े, वैष्णव साहब का मिलाप होया। गुरु अमरदास महाराज ने बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल वैष्णव साहब की सेवा की। बच्चा सियाणा होवे, बच्चे की लियाकत वेख के, बच्चे की इंटैलीजेंसी देख के असी पुछदे हाँ, बेटा तू कौन है, तेरे माता पिता कौन ने। सतगुरु ने बाणी विच लिखा, ठाकुर ते जन जानीजे, जन ते स्वामी। गुरु अमरदास महाराज ने ना हथ जोड़ के कहा, मैं तां अजे निगुरा हाँ,
मैं कोई गुरु धारण नहीं किया और सच जानना गुरु अमरदास महाराज गुरु बने ना। महाराज की कदी बाणी पढ़ के वेखो आसा राग के अंदर गुरु नानक साहब ने भी पट्टी बाणी उच्चारण की ते गुरु अमरदास जी ने भी पट्टी बाणी उच्चारण की। महाराज को अपने 6 दहाकियां का तजर्बा सी। सतगुरु ने ताई लिखिया ना सतगुरु बाजो गुर नहीं कोई। ते महाराज कहिंदे निगुरे का है नाओं बुरा। अखीर विच गुरु अमरदास इस बाणी की समाप्ति करते ने। महाराज कहिंदे नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। हुण वैष्णव साध ने जदों कहा निगुरे दे हत्थों प्रशादा पानी छक के मेरा सब कुछ भ्रिश गया। एक जिंदगी अंदर चौंक आ गया। फिर अगे जाके दुर्गादास दे नाल मिलाप होया। वो ज्योतिष विद्या का माहिर सी। इतिहास के पन्ने कहिंदे ने भी गुरु अमरदास जी के चरणों के विच पदम सी। बाणी विच एक बचन लिखिया भट्ट साहिबाना ने अपने सवैया दे विच कहिंदे बारिज कर दाहिन है। बारिज पदम नू कहिंदे ने। गुरु अमरदास जी दे दाहिने हाथ विच पदम सी। बारिज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद्ध बसै बावांग तीन लोकंतर मोह। ध्यान देना वैष्णव साध ने ज्योतिष ला के कहा भी आउण वाले समय दे अंदर आप जी कोई अवतारी पुरश या कोई चक्रवर्ती राजे प्रगट हो गए। हुण कैसा सुमेल सी गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह की सपुत्री बीबी अमरो जी का आनंद कारज गुरु अमरदास जी के भ्राता भाई मानक चंद के पुत्र दे नाल होया। महाराज की भतीज नू बने बीबी अमरो जी। एक दिन अमृत वेले बीबी अमरो जी घर का कार्य कर रहे ने नाल बाणी का जाप चल रहे है। जदों बार बार पंक्ति पढ़ी पया मनूर कंचन फिर होवै जे गुर मिले तनेहा। मनूर उस लोहे नू कहिंदे ने जिन्हू जंग लग गया। जंग लग्या लोहा किसे काम नहीं। कंचन कहिंदे ने सोने नू। सोना मीनस पवित्र। ये साडा मन भी जिन्हू विषय विकारां दा जंग लग्या जिहड़ा मनूर है जे गुरु दा मिलाप हो जावे इक कंचन वर्गा सोने वर्गा पवित्र हो सकदा है। बीबी अमरो दे राही गुरु अंगद साहब की शरण विच आए। हुण इत्थों गल समझनी है। अज आप जी ने सोदर दे पाठ तो बाद आरती आरते दा गायन श्रवण कीता। अरदास होई। सतगुरां ने जिहड़ा पावन हुक्म बख्शिया ना एक पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता धूरी को बल जाई ए मन तेरा भाई रहाओ पाव मलोवा मलमल तोवा ए मन तैकू देसा सुन मीता हों तेरी शरण आई आया प्रभ मिलो देहो उपदेशा। एक जिग्यासु ने गुरु दे चरणा विच बेनती कीती कि रब दा मिलाप किस तरह होएगा। ते गुरु ने इको गल कही सी भी चार काम तैनू करने पैणगे। पहला काम मान ना कीजै दूजा शरण परीजै तीजा करै सो भला मनाइयै चौथा सुन मीता सब जियो पिंड तन अर्पीजै। जो चार काम कीते हो दर्शन हर जियो पाईए। हुण गुरु अमरदास जी दे जीवन विच दो नुक्ते कह के मैं समाप्ति कर देंगा। गुरु अमरदास महाराज बीबी अमरो जी दे नाल खडूर साहब की धरती ते आए। हुण पहली गल वेखो गुरु अंगद साहब गुरतख गद्दी ते विराजमान ने। दुनियावी पद्धर ते जे उम्र वेखीए 36 साल है। ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की उम्र 62 साल है। उम्र करके वड्डे ने। जे हुण रिश्ता वेखीए ते कुड़माचारी है। गुरु अंगद देव महाराज की सपुत्री बीबी अमरो जी गुरु अमरदास जी के भतीजे नाल व्याई है। कुड़माचारी है।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕੋ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਡੇ, ਗੱਲ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਭਏ ਪੱਟ ਤੇ ਕਰ ਕਾਢੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ, ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਾ ਪੁਰਖਾ, ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਪੁਰਖਾ, ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੇ 21 ਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਸ ਤਨ ਨੇ 21 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗਾਗਰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਤਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੜ ਗਾਗਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਆਸਾ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਲ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਨੁਕਤਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਸਾ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੇਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 15 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ, ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸੁਣ,
पुरातन गुरसिखां विच ते अज दे गुरसिखां विच फर्क है। पुरातन गुरसिख कहिंदे सन जो गुरु कहेगा वो असी करांगे, ते अज दे सिख कहिंदे जो असी कहिए गुरु करे, है फर्क है। पर मजाल है, गुरु अमरदास ने एक दिन भी किया होवे गुरु अंगद साहब नू सतगुरु, खडूर साहब का बाकी काम भी तो खडूर साहब के पानी नाल हुंदा है। आप जी दे इशनान लई ब्यासा तो जल 12 साल सेवा कीती, एक भी दिन नागा नहीं। ताई तक कहा कि घन हर बूंद बसो रो मावल, कुसम बसंत गणंत न आवै, रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै, रुदर ज्ञान ध्यान सतगुर कै कब जल पल उन्हां जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै, ते गागर तो उजागर होए। 12 बख्शिशां मिलियां, एक मिनट की गल कह के समाप्ति करिए। सात संगत, गुरु अमरदास जी की बाणी पढ़ के वेखो, 17 रागों विच महाराज की बाणी है। बाणी विच दसिया भी सेवा किस तरह करनी है। हस्ती सिर जो अंकश है, अहरन जो सिर दे, मंतन आगे राग के ऊबी सेव करे, इयों गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट काले। सेवा तो मिलदा की है, गुर सेवा ते सुख उपजै भाई, फिर दुख न लगे आए, जम्मन मरना मिट गया भाई, काले का किछ ना बसाए। सेवा किस तरह करनी है दस दिता, सेवा तो की मिलदा है दस दिता। पर महाराज ने यह नहीं किया कि मैं सेवा कीती, मैं गागर टोई, भाव की सेवा करके कदी सेवा नू जनाना नहीं। ये गुरु अमरदास जी दे जीवन तो सीखो। बख्शे समय दी समाप्ति है, महाराज दियां तां सिफतां दे भंडारे भरे ने, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। बड़े लंबे समय तो ज्ञानी वरियाम सिंह जी दे नाल समागमां दे अंदर मेल होंदा सी, बड़ी बार हुक्म भी लाया, पर समा स्थान ते संजोग जब तक त्रै सस्से कट्ठे ना होन कदी गल नहीं बनती। तो सतगुरु ने तरस कीता, पहली बार इस स्थान ते आके आप जी दे दर्शन कीते ने, कार सेवा दे कार्ज आरंभ होने ने। सब नू हाथ जोड़ के मैं बेनती करांगा, जिथे तक मेरी आवाज़ जा रही है चैनल दे माध्यम दे राही, आप जी ने वध तो वध सहयोग देना है, क्योंकि गुरबाणी विद्यालय चल रहा है। तो भाई गुरदास ने एक गल कही है, जैसे छत मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को शब्द सिखाएगा। छत बिंदी ला के जिन्हों पर 100% कहते हैं, 100, जिस तरह कोई 100 मंदिर पढ़ते हैं ना गुरबा, रे जेबा करो छत खंड तेरे 100 टुकड़े, जैसे छत मंदिर कंचन के उसार देने, जिस तरह कोई 100 मंदिर सोने दे बना के दान करे, 100 मंदिर दान करके जड़ा पुन मिलना, तैसा पुन सिख को शब्द सिखाएगा। वो शब्द नु सिखाने लई विद्यालय दी नवी इमारत बननी है, आप जी ने वध तो वध सहयोग करना है। सारिया का धन्यवाद, सारिया वालों धन्यवाद, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता का, जिहड़ा जेड़े गोद च बिठा के सेवा करवा लेंदे ने। तेरी पना में आकर सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले भी पुन नूर होते हैं, तेरे दर की है खाक भी अक्सीर है मेरे सतगुर, तेरे हाथों में तो पत्थर भी कोई नूर होते हैं। अगले समय लई मेरे वड्डे वीर सत्कार योग ज्ञानी तेजपाल सिंह जी कुरक्षेत्रा वाले, जो किसी परिचे दे मोहताज नहीं, आप जी नू गुरमत विचारां नाल जोड़नगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।